सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कब आ सकती है पोकेमोन ब्लैक एंड वाइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, पोकेमोन ब्लैक एंड वाइट के आने के चांसेस शुरू होते हैं यहाँ से कि सीईओ चेंज हो चुका है। तो सीईओ चेंज होने के बाद जो भी हमारे पॉइंट्स बने थे कि जुलाई को दिखाया पोकेमोन सीजन 11, फिर तब वो दिखाया, फिर लास्ट 10 एपिसोड लाए, तो वो सारे पॉइंट्स नहीं माने जाते क्योंकि सीईओ ये चेंज हो चुका है। अब तो हमारे फर्स्ट पॉइंट पे अब हम भरते हैं। पहला पॉइंट जो ट्विटर पे उसने ट्वीट किया है डिज्नी इंडिया की वजह से, वहाँ पे हमें चांसेस लगते हैं कि शायद तक एक होप मिलती है कि शायद तक आ सकती है पोकेमोन ब्लैक एंड वाइट। अब कब आ सकती है ये तो मैं ये नहीं मैं बता सकता। आज मूवी 14 एंड 15 की मूवी आ रही है इन मार्वल एच टू रात को, और डिज्नी हंगामा पे भी अभी 8 बजे सीजन 5 आ रहा है, तो शायद तक एक चांस है कि आ सकती है शायद तक ब्लैक एंड वाइट। तो आप बस जो भी ये दिखा रहे हैं उसको अगर आप सपोर्ट करोगे तो शायद तक जल्दी से जल्दी आ सकती है पोकेमोन ब्लैक एंड वाइट। अब डेट इस दिसंबर में शायद तक आ सकती है या फिर अगले जनवरी तक। जनवरी तक तो जरूर आ जाएंगी, वरना अभी एक्स एंड वाई आ रही होती, एक्स एंड वाई हम कह रहे होते कि एक्स एंड वाई आ रही है, कब आ सकती है, पर अभी ब्लैक एंड वाइट है। सो लेट्स वेट, और बस सपोर्ट करना मार्वल एचक्यू को आप जितना सपोर्ट कर सकते हो, हंगामा को, पोकेमोन को, जो भी नए पुराने एपिसोड्स आते हैं, बस आप अगर उनको सपोर्ट करोगे ना तो अपने आप ही सीईओ ले आएगा, एपिसोड्स ले आएगा अपने आप, ये मेरी गारंटी है। सो लेट्स वेट, और थैंक यू। ये बहुत ही छोटी वीडियो है पर मैंने जल्दी जल्दी में बना दी तो बना दी, बस थैंक यू। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन में क्लिक करके और हाँ, इतना ही वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। सो थैंक्स फॉर टुडे।